सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जब इंसान अपना दर्द अल्लाह को बताता है तो क्या होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना दर्द जब हम अपने अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ में शेयर करते हैं तो क्या होता है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम्हारी मंजिल ये नहीं है कि डिग्री मिल जाए और जॉब मिल जाए, ये बहुत छोटे दर्जे की चीज़ है। मेरी, तुम्हारे, वीसी साहब की, तुम बच्चियों की, बच्चों की एक ही मंजिल है कि या अल्लाह तू राज़ी हो जा। अल्लाह तुझे मरने से पहले पहले हासिल करना है, ढूंढना है, पा लेना है, राज़ी करके मरना है। लैत कतहलु वल अय्याम मरीरत वलैत कतरदा वल अनाम गज़ाब वलैत अल्लज़ी बैनी व बैनक आमिर व बैनी व बैन अल आलमीन खराब वलैत अश्शराबी मिन विदाद कसाफिया व शुरबी मिन माए अल मईन सराब फ़ैज़ा सह मिनक अल वुद्द फलकुल्लु हय्यन व कुल अल्लज़ी फ़ौक़ अत्तुराब अत्तुराब। अल्लाह को पाते हुए जो सौदा करना पड़े कर जाओ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को रोमियों ने पकड़ लिया, सहाबी हैं, उनको आग में डालने लगे तो वो रो पड़े। तो लोगों ने रोमी बादशाह से कहा कि ये अरो रो पड़ा है, डर गया है, उनका ले आओ, मेरे पास ले आओ, उनको वापस लाए। तो रोमन बादशाह ने पूछा, क्यों रोयो, मौत से डर गए हो? कहने लगे, मौत तो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, मैं अपनी बेबसी पे रोया हूँ। का क्या बेबसी है? का बेबसी ये है कि एक जान है आग में गिरते ही जल के राख हो जाएगी, काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं इतनी मेरे पास जाने होती और मैं एक एक जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता, कुर्बान करता। आज मरने का मज़ा नहीं आ रहा, इस पर रोया हूँ। तो बादशाह इतना हैरान हुआ, उसने कहा तू मेरा माथा चूम दे और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो उसका माथा चूमा, उन्होंने छोड़ दिया। 2000 साल पीछे चले जाएं, फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया, उसकी दो बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उस अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन की ने उस औरत से, उस बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सबके लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी, फिरौन ये तो मेरी दो हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देता। फ़ख़्ज़ मा अंतकाफ, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झूल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई, एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से।
और अपने दिल को मुझे मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत, मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा और वो कह रही है इस बेरी या उम फाइनल की मिनल अजर कदा व कदा, माँ जी डरना नहीं, सबर करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। शुरू मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा, अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा और वो कह रही इस बरी या उम फइन लकी मिनल अजर कदा व कदा, माँ जी थोड़ी देर का सबर, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे उसने फिरौन को देखा, फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे होगी उसकी, कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। फिरौन ने पूछा क्या, कहा जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा मैं पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ। जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती है, जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई, अल्लाहु अकबर का नारा लगाती हुई, हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गई। फिरौन ने कहा एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो, दफन। 2000 साल के बाद बच्चों बच्चियों, 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज हुआ, 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है और बैतुल मक़दस पर जब वो ऊपर पहुँचे हैं तो मिस्र वहाँ से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है, अभी तो जन्नत ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, तो ये ज़मीन से जन्नत की खुशबू क्या आ रही है। तो जिब्रील ने अर्ज किया रसूल अल्लाह फिरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई जान का और अपनी बच्चियों का, उसकी और उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहां दफन किया गया है, ये खुशबू जिस दिन उन्हें दफन किया था उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। अल्लाह अपने नाम पर कुर्बान होने वालों की यूं कीमत लगाता है। पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो कि मुझे अपनी ज़िंदगी की से लेना क्या है, मुझे अल्लाह को पाना है, मुझे अल्लाह को पाना है। मैंने अल्लाह को, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राज़ी है तो फिर मौत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं, इससे बढ़कर कोई खूबसूरत पैगाम नहीं, और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत की, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बनु उमैया, मरवान 9 महीने हुकूमत की, उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 21 बरस हुकूमत की, उसका बेटा वलीद 10 साल हुकूमत की, उसका बेटा सुलेमान 2.5 साल हुकूमत की, उसी तख्त पर बैठे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। पहले तीनों ने चारों ने अल्लाह के शरीयत को कुर्बान किया हुकूमत के लिए, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के लिए, हुकूमत को पाँव के तले रखा और अल्लाह की रज़ा को सामने रखा। इनको जहर दिया गया, जब इनकी मौत का वक्त करीब आया
तो उन्होंने रजा बिन हैवा को बुलाया, सुनने वाली बात है बच्चों, उनसे फरमाने लगे सुनो मैंने 3 बादशाहों को कब्र में उतारा। अब बच्चियां तो कब्रिस्तान जाती नहीं, हम तो अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और ऊपर मिट्टी डालते हैं और ऊपर ईंटें डालते हैं और फिर मनो मिट्टी में दबा के वापस आते हैं। ये मंजर आप बच्चियों के तो देखने का भी नहीं है। वो कहने लगे मैंने 3 बादशाहों को मिट्टी में डाला, लेकिन उनके कफन की गिरा को जब खोल के देखा तो उनके चेहरे किबले से हट चुके थे और रंग उनके काले पड़ चुके थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बाप, वलीद बेटा, सुलेमान बेटा, ये तीनों का उनके चेहरे काले हो गए थे और उनका किबले से मुंह फिर गया था। अब मैं मरने लगा हूँ, मुझे पहले ज़रूर चेक करना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। पहले तीनों की जुल्म की हुकूमत थी, इनके चेहरे किबले से क्यों हट गए? आपको अजब बात बताऊं, वलीद बिन अब्दुल मलिक रोज़ाना तहज्जुद में खड़े होकर 10 सिपारे पढ़ता था, 10 सिपारों की तिलावत तहज्जुद में करता था खड़े होके, और किबले से चेहरा हट गया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तहज्जुद गुजार, चेहरा किबले से हट गया, जुल्म किया, जुल्म किया, जुल्म किया, खून को पानी बना दिया, हुकूमत पर शरीयत को कुर्बान किया, रिश्ते नातों को कुर्बान किया। अल्लाह ने किबले से चेहरे, नमाजें मुंह पे मार दी, रोज़े मुंह पे मार दिए, हज ज़कातें मुंह पे मार दी, तहज्जुद उनके मुंह पे मार दी और उनके चेहरों को किबले से हटा दिया और रंग काले कर दिए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसी सल्तनत को अदल से भर दिया, उसी सल्तनत को अदल से भर दिया। कैसी सल्तनत की? जब गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पे सामान चलता था, जब अमीरुल मोमिनीन बने तो बच्चे कहने लगे माँ से, बच्चे बच्चियां 12 थे, माँ से कहने लगे कि ईद का मौका आ रहा है, अब्बा से कहो हमें नए कपड़े तो लेकर दें। इनकी माँ का नाम है फातिमा, बच्चों की माँ का नाम फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। ये दुनियावी स्टेटस में सबसे बड़ी खातून गुजरी है, आज तक उसके लेवल की कोई औरत नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 2-4 भाई बादशाह, 6 खामिन बादशाह, 7 नस्बतों से ये औरत शहजादी रही है। हजरत उमर घर आए, बेगम ने कहा बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, तनख्वाह में तो मुश्किल से रोटी पूरी होती है, कहाँ से लेकर दूँ? तो थोड़ी देर खामोश रही बेगम, फिर कहने लगी आप ऐसा करें अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लेती हूँ और रोटी का ख़र्चा मैं मजदूरी करके, घर बैठे मजदूरी करके चला लूँगी, आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाहिद खलीफा हैं जिनके दौर में 3 बर्र आज़म में ज़कात लेने वाला बाकी नहीं बचा था। यहाँ लाहौर भी उनकी हुकूमत के नीचे था, जनूबी स्पेन फ्रांस उनके हुकूमत के नीचे था, काशगर तक उनके हुकूमत के नीचे था, इस्तंबुल के दरवाज़ों तक उनकी हुकूमत थी। 3 बर्र आज़म में 1 आदमी ज़कात लेने वाला ना बचा। और अपना हाल ये है कि बेगम से कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, कपड़े कहाँ से लेकर दूँ? और बेगम तरीका बता रही है कि आप अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लूँगी और घर चूल्हे का खर्चा, रोटी का खर्चा मैं घर बैठ के मजदूरी करके कमा लूँगी। तो हज़रत उमर कहने लगे हाँ ये ठीक है। बाहर आए, वज़ीर ख़जाना मुज़ाहिम उन्हें बुलाया कि भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, ये तनख्वाह वाले लोग बैठे हुए हैं तनख्वाहें लेते हैं। उसने कागज़ कलम आगे रख दिया, कहा हज़रत यहाँ लिख के दे दें आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे मैं तनख्वाह दे देता हूँ, आप मुझे लिख के दे दें आप 1 माह जिंदा रहेंगे मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। चुप करके उठे, 1 लफ्ज़ नहीं बोले, घर गए। हजरत अपनी बेगम फातिमा से कहा बेगम बच्चों से कह दो कि बाप के पास कपड़े लेकर देने की सकत नहीं है, और ख़जाने ऐसे भरे पड़े थे कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ईद की नमाज हुई,
नमाज के बाद जब सारी फैमिली मिलने आई और बच्चे भी मिलने आए तो उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने के बच्चों, आज तुम्हें दुख तो होगा अपने बाप पर कि एक जोड़ा कपड़ा भी लेकर ना दिया ईद का। तो उनके एक बेटे ने कहा, अब्बा जान, आज हम बड़े खुश हैं, हमारा सर ऊंचा है कि हमारे बाप ने मुसलमानों के माल पर डाका नहीं डाला, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया लेकिन मुसलमानों के माल में खयानत नहीं की। ये उनका तर्ज हुकूमत था, इस तरह उन्होंने हुकूमत की। घर में तशरीफ लाए तो बेटियों से बात की तो उन्होंने मुंह पे ऐसे दुपट्टा रखा हो, मुंह पे दुपट्टा रख के बात करें। तो फरमाने लगे, कपड़ा तो हटाओ, दुपट्टा क्यों रखा हुआ है? तो घर की खादमा जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के रोटी खाई है तो वो उसकी बू है मुंह में, आपको बू से नफरत है इसलिए मुंह पे कपड़ा रख लिया है। तो हज़रत उमर इतना रोए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। कहने लगे, आखिर में जब थोड़ा सा आश्रय में आए, कहा, मेरी बेटियों, तुम्हारा बाप तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता है लेकिन मैं जहन्नम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मरने का वक्त आ गया। जब वो गवर्नर थे तो 60 ऊंटों पे उनका सामान चलता था, और जब वो अमीरुल मोमिनीन बने तो अयादत के लिए लोग आ रहे थे तो साले अयादत के लिए आए, फातिमा के भाई, कपड़े देखे अमीरुल मोमिनीन के तो बहन को एक तरफ करके फरमाया, बड़े नेक सरदारों में से थे ये मसलमा बिन अब्दुल मलिक, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन के कपड़े तब्दील करवा दो, लोग पूछने आ रहे हैं तो मैले कपड़े अच्छा नहीं लगता। कहा, जी भाई, करवाती हूँ। अगले दिन जब वो हाल पूछने आए तो फिर वही कपड़े थे, तो उन्होंने उनको अलग जाकर कहा, बहन, मैंने तुम्हें कहा था कपड़े बदलवा देती, क्यों नहीं बदलवाए? तो वो रोने लगी, कहने लगी, कहाँ से बदलवाऊँ, जोड़ा ही एक, जोड़ा ही एक, कहाँ से बदलवाऊँ? और हुकूमत कितनी थी? 3 बर्र-ए-आज़म की, 3 बर्र-ए-आज़म की हुकूमत। हमारा तो पटवारी अमान का नहीं है, और वो 3 बर्र-ए-आज़म की सल्तनत लेकर एक जोड़े में अल्लाह से मिलने जा रहा है। जब इनका इंतकाल हुआ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की डेड बॉडी जब कब्र के करीब लाए उतारने के लिए तो ऐसे ऐसे हिलने लगा, उसका पूरा जिस्म हिलने लगा। तो उसके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बा जिंदा हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया, बेटो, जिंदा नहीं है, अजाब कब्र जल्दी शुरू हो गया है, अज्जलल्लाहु बिलउकूबा, कब्र की पकड़ पहले शुरू हो गई है, छुपाओ अपने बाप को जल्दी। जब उमर बिन अब्दुल अजीज की डेड बॉडी कब्र के करीब की गई और उनका भाई उतारो, भाई वो बातें शुरू हो जाती हैं, रुमाल डालो, चादर पकड़ो, इधर से पकड़ो, तो एकदम ऐसे एक पर्चा हवा में उड़ता हुआ सबने देखा, वो आते 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 यूँ आके हजरत उमर के सीने पर गिर गया। सब देख रहे हैं। जब पर्चे को उठा के देखा गया तो उस पर एक सतर पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी सतर पर लिखा था बराअतुम मिनल्लाहिल उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ मिनन नार, ये उमर के लिए जहन्नम की आग से नजात का परवाना है। 3 बर्र-ए-आज़म की सल्तनत लेकर वो जन्नत का परवाना लेकर दुनिया से गए। जब उनको कब्र में उतारा गया तो उन्होंने रजा बिन हैवा से फरमाया था, 3 बादशाहों के चेहरे देखे किबले से फिर गए, रंग काले पड़ गए, मुझे तुमने देखना है कि क्या होता है। तो रजा फरमाते हैं, जब मैं कब्र में उतरा और उनके कफन की गिरा को खोल के देखा तो चेहरा किबले की तरफ फिक्स था और मुझे यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतराया। मेरे अजीजो, तलबा तालिबात, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ, अल्लाह को अपनी मंजिल बनाओ, अल्लाह को अपनी मंजिल। आई हैव नो वर्ड टू से एनीथिंग आफ्टर दिस बयान। मींस कैसे कोई इंसान इतना ज्यादा, मीन्स किसी के अंदर इतनी ज़्यादा डेडिकेशन कैसे आ जाती है अल्लाह को लेके, उस रब को लेके, कि वो अपनी इस ज़िंदगी को मतलब ऐसे ही कुर्बान कर देता है। ये तो हकीकत है। मतलब मैंने सुना है कि ये जो दुनिया है ये हमारा एक्चुअल डेस्टिनेशन तो नहीं है, हमारा जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वो इस ज़िंदगी के बाद का जो है वो है, बट स्टिल
आज अगर हम लोग इस जिंदगी में जी रहे हैं, इस दुनिया में हैं, तो हम लोग सिर्फ इसी दुनिया के बारे में सोचते हैं ज्यादा। मीन्स मैं तो सोचती हूँ कि जो मेरी अभी की लाइफ है, मेरी फैमिली है, तो अगर मुझे इतना सा भी हर्ट हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। और मैं जल्दी से चाहती हूँ कि मुझे उस पेन से, उस दर्द से जल्दी से निजात मिल जाए। बट कैसे एक इंसान, मतलब अपने खुदा के लिए इतनी ज़्यादा डेडिकेशन उनके दिल में कैसे आ जाती है कि वो अपनी लाइफ को तो उन्होंने दे दिया, मतलब अल्लाह के नाम कर दिया, और साथ में उन्होंने जो लेडी थी जो इस वीडियो में बताया गया था जिनके बारे में, उन्होंने अपनी दो बेटियों को भी कुर्बान कर दिया। और अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को ऐसे देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ एक जो माँ होती है उसके लिए उससे ज़्यादा पेनफुल कुछ चीज़ नहीं होती जब वो देखे कि उसके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और इस वीडियो में तो उन्होंने ये नहीं कहा कि फिरौन ही इस दुनिया में अल्लाह है या वो ही सबसे बढ़ के हैं, बिकॉज़ फिरौन अपने आप को यही प्रूव करना चाहता था कि मैं ही कायनात का मालिक हूँ या मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने, बट जो लेडी थी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं, मेरे अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने यही कह के अपनी दोनों बच्चियां भी कुर्बान कर दी और अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी। तो रियली मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब दिल में जैसे बोलते हैं ना, श्रद्धा भगवान के लिए, अपने गॉड के लिए, अपने अल्लाह के लिए कैसे आ जाती है कि इंसान, पता नहीं वो टाइम अलग था या उस टाइम के लोग अलग होते थे जो लोग ये सब चीज़ें कर जाते थे। आज की डेट में मैं बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान बोले कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है या तुम ये मानोगे कि अल्लाह या भगवान एक हैं या गॉड एक हैं, तो इंसान मुझे लगता है कि अपनी लाइफ चूज़ करेगा। आई डोंट नो कि होता है, कई लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जो कि अभी भी यही चूज़ कर लें कि नहीं, मेरे लिए तो मेरे जो परमात्मा है, मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, मेरे भगवान है, वो ही सबसे आगे हैं, मैं ये सब चीज़ें छोड़ने को तैयार हूँ। बट पता नहीं कितने परसेंट वो लोग होंगे। बट जीते जी अपनी इस ज़िंदगी में हर इंसान यही चाहता है कि मतलब मैं पता नहीं यार, मतलब बट मुझे ये लगता है कि हर इंसान यही चाहता होगा कि मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब सेफ रहे। पता नहीं, आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, अभी जो करंट आप लाइफ जी रहे हैं उसको या अपने रब को। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।